हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम पीएमटी फार्मूला कैसे लगा सकते हैं और लोन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये बात जानते हैं कि पीएमटी फार्मूला आपने यूज किया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, लेकिन एक्सेस में शायद ना यूज किया हो। तो चलिए आइए जानते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैं ओपन कर लूंगा, मेरे पास 2007 वर्जन है। आपके पास जो भी हो, काम करने का तरीका लगभग सब में ऐसा ही है। यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूंगा और यहाँ से आ जाऊंगा व्यू पर, और यहाँ से एक व्यू मंथली में पेमेंट निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे लिखता हूं, मैं इसका नाम देता हूं मंथली पे, ठीक है, इसी नाम से इसको क्रिएट करता हूं। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट लोन आईडी, लोन आईडी, ओके, चूंकि ये प्राइमरी की है तो लोन आईडी डाल दिया, इसको ऑटो नंबर ही रहने देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए लोन अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन लेना है, तो अमाउंट ऑफ लोन कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। कितना लोन ले रहे हैं हम, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको रखेंगे हम नंबर डेटा टाइप, क्या रखेंगे, नंबर डेटा टाइप, तो रख लिया हमने। अब यहां पर क्या करना है, नंबर ऑफ इयर्स भी होने चाहिए, कितने सालों के लिए लोन ले रहा है, नंबर ऑफ इयर्स, तो ये दे देते हैं, ओके। नंबर ऑफ इयर्स को देने के बाद हमने अमाउंट ऑफ लोन भी दे दिया, नंबर ऑफ इयर्स भी दे दिया। अब हमें यहाँ पे देना है, इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर देता हूं। अब यहां पर हमें देना है इंटरेस्ट रेट, तो यहां पर मैं लिखता हूं इंटरेस्ट रेट, ओके, तो आरएटी, तो इंटरेस्ट रेट यहां पर आएंगे, तो यहां पे हमें नंबर ही रखना है। और यहां पर आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, एक चीज और आप सीख पाएंगे कि यहां परसेंटेज का साइन कैसे लेके आ पाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। तो यहां पर आपको क्लिक करना है, वही चीज मैं सिखा रहा हूं, और यहां पर इसको बना लीजिए आप डबल, डबल यहां पर ले लिया आपने। फॉर्मेट यहां पर परसेंट रखिएगा, तो यहां पर फॉर्मेट रख लेता हूं मैं परसेंट, ओके। बस आपको कुछ नहीं करना, आप नीचे आना है, यहां पर मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट के नाम से एक और यहां पे मैं बना लेता हूं, ठीक है। और यहां पर इसको नंबर डेटा टाइप रखेंगे हम, तो यहां रख लिया हमने नंबर, और यहां से हम क्लिक करेंगे इस पे, और ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमें क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और यहां से अब हम क्वेरी बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं क्वेरी। सबसे पहले लोन आईडी, अमाउंट ऑफ लोन, नंबर ऑफ इयर्स, इंटरेस्ट रेट और मंथली पेमेंट, इन सबको हमने इंसर्ट करा लिया है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ जूम व्यू पे आ जाएंगे। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको भी क्लियर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर रख के और कोलन लगा लीजिए, एल अल्फाबेटिक बटन, उसके ठीक बाद कोलन का निशान होगा, शिफ्ट के साथ दबाइएगा, ये लग जाएगा। अब यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला लगाते हैं, पीएमटी लगाया हमने, स्मॉल ब्रैकेट बनाया, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां लिखिए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगे हम। डिवाइड करने का फायदा क्या होगा कि ये एक महीने का कैलकुलेट होकर आएगा, हमें हर महीने का देखना है, यानी एक महीने का हमें देखना है, दैट्स व्हाई यहां पे 12 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ये मैंने लिखा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ने क्लोज किया, तो क्लोज कर लेता हूं। क्लोज करने के बाद यहां पर इजिली हमें लिखना है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ ईयर्स कर देता हूं मैं, ओके, और ईयर्स लिखने के बाद इसको करेंगे क्लोज, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 12 से, ओके। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर अमाउंट ऑफ लोन आएगा, तो यहां पे अमाउंट ऑफ लोन यहां पे दे दिया हमने, ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन दे देने के बाद हमें करना क्या है, अमाउंट ऑफ लोन हमने दे दिया, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहां पर ओके प्रेस करना है हमें, और यहां से रन पे क्लिक करना है, तो ये हमारा सब कुछ कैलकुलेट होकर आ चुका है। हमें सिर्फ यहाँ लोन अमाउंट और नंबर ऑफ इयर्स और इंटरेस्ट रेट डालना है, और वो मंथली पेमेंट कैलकुलेट करके हमें दे देगा। तो चलिए ये देखते हैं, 1 लाख का लोन, यानी 1 लाख का लोन हम लेते हैं, और नंबर ऑफ इयर्स अगर 5 इयर्स की बात करें, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 6% हो, तो यहां पर ये देखिए 1933 रुपए समथिंग 28 पैसे समथिंग आ रहा है, और ये माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का कारण ये है कि ये हम लोन ले रहे हैं, तो ये हमें चुकाना है अमाउंट, दैट्स व्हाई ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। आइए क्वेरी पे आते हैं, जो क्वेरी हमने बनाई, इसको माइनस में ना आए इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे कर्सर को, ये मंथली पेमेंट जहां हमने कैलकुलेट किया, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज पे हमें आना है, यहां पर रखेंगे और ये प्रॉपर्टीज पे आएंगे, और यहां पर देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये आपको बनाना है करेंसी, क्या बनाना है करेंसी, यहाँ करेंसी बनाया हमने, ठीक है, और यहाँ से करना है रन पे क्लिक। तो आप देख सकते हैं जो अब हमारा पेमेंट जो है माइनस में शो कर रहा था वो हट चुका है, और यहाँ डॉलर्स आ चुके हैं, ठीक है।
यहां पर रुपीस का सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं आप, एक वीडियो मैंने बना रखा है और भी वीडियोस मैं इस पे डाल दूंगा कि रुपीस का सिंबल कैसे इंसर्ट कराते हैं आप। जैसे मान लीजिए यहां पे 2 लाख रुपए लोन लिया जा रहा है, ठीक है, और ये लिया जा रहा है 2 साल के लिए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ठीक है, तो उसके हिसाब से 1 महीने का ये लोन कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। आइए एक और कैलकुलेट करते हैं, 1,20,000 का लोन है, ठीक है, तो यहां हमने 1,20,000 लिखा और ये है 4 साल के लिए, ठीक है, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो उसके हिसाब से यहां पे ये कैलकुलेट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ गई होगी कि लोन कैलकुलेटर कैसे हम बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।